हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंखा। ये देखो मेरी चोटी कैसे फैली हुई है। मैंने अभी तक कॉम्ब भी नहीं किया है। हनी का फ़ोन बज रहा है इधर। किसका बज रहा है पहले मैं चेक करती हूँ। आई डोंट नो, ऐसे ही बजते रहते हैं हनी के फ़ोन। पता नहीं किस किस के बजते हैं इस लड़के के फ़ोन। मेरे फ़ोन पे ही रहते हैं। नहीं, मैं हनी का फ़ोन बिल्कुल चेक नहीं करती। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं इनके मुंह पे बोल रही हूँ, हेलो इधर आओ देखो, मैंने आज तक कभी आपका फ़ोन चेक किया है। लोग सोचेंगे कि कैसी कौन सी बीवी, जासूस बीवी है जो हनी का फ़ोन चेक करती है। नहीं, मैं नहीं करती। मैंने हनी को फ्री छोड़ा हुआ है। जहाँ मुँह मारना है या कुछ भी करना है कर सकते हो। अगर मैं अच्छी नहीं लगूँ तो कर सकते हो, लेकिन हनी को मैं क्यूट, इतनी सुंदर लगती हूँ। हनी कहीं मुँह ही नहीं मारते है ना हनी, है कोशिश तो करो कहीं मेरे को सुनाने को मिलेगा। नहीं, 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 नहीं। आप वैसे इतना सुना देते हो मेरे को। कब सुनाती हूँ मैं? परीक्षित के लिए। तो फिर परीक्षित अलग चीज़ है। इसको ऐसे नहीं लिटाया, इसको ऐसे नहीं पिलाया, इसको ऐसे नहीं खिलाया। गाइस देखो, मदर होते हैं ना, वो होती हैं इस टाइप की, थोड़ी केयरिंग होती है। मैं तो बोलते ना, ए माँ, माँ तो माँ ही होती है। माँ तो माँ ही होती है। तो मैं परीक्षित की टेंशन करती हूँ तो जाए। और गाइस, परीक्षित अभी अभी सोया है और मैं बता रही, मेरी तबीयत खराब थी। मैंने हनी को बोला कि ना छुट्टी कर लो, लेकिन हनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता छुट्टी से ना छुट्टी से। उनको सिर्फ लैपटॉप से मतलब होता है। ये देखिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने घर का सारा काम किया है ना, रोटी सब्जी सब कुछ कैमरे पे बता दिया मैंने, देख लो। ऐसा पति मिलेगा आपको? काम किया है ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत ये पूछना ब्रेड होता सैंडविच है, खिलाई कि नहीं खिलाई, ये पूछना होता है मैं कोल्ड काम कॉफी कर लूँ पिलाई कि नहीं नहीं कर पिलाई। लूँ। ठीक है, आप रेस्ट कर रहे हो, आपको रेस्ट कोई मेरे साथ ही प्रॉब्लम करो, है, देखो मैं सामने दवाई करो, मैं आपको के सामने सो रहा हूँ दवाई आराम से। लाके दूँ? नहीं ना, कुछ नहीं। इसको बंदे को लैपटॉप से मतलब है, लैपटॉप, सिर्फ लैपटॉप चाहिए, लैटपॉट, बिना लैपटॉप के जी नहीं आप सकते। मैटरनिटी में वर्क फ्रॉम होम ले रहे, आप क्या हो, आप क्यों करते हो? मैं तो फिर भी छुट्टी वाले दिन थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा भी नहीं हुआ लैपटॉप उठाए हुए। देखो गाइस, मैं ना बहुत डिसेंट टाइप के लड़की हूँ, ठीक आप है? तो डिसेंट हो और मैं डिसोड़ा बंदा हूं। आप डिसऑर्डर हो, ठीक है? मैं अपना काम ओके रखना चाहती हूँ। अब अपना ओके दोबारा से रखो, मेरा जाऊंगी चाहे फिर होना ही ना मैं हो। भूल जाऊंगी, फिर मैं लोगों से पूछती फिरूंगी, ठीक है? इससे अच्छा मैं अपना कंटिन्यू रखूँ, इससे मेरा माइंड भी शार्प होता है, जंग नहीं लगेगा मेरे माइंड में, ठीक है? लेकिन आपको मैंने बोला एक जंग दिन की इंसान छुट्टी की कर लो। सोच में लगता है, दिमाग में नहीं लगता। नहीं, खड़े हो जाओ यार। देखिए मैडम, ऐसा है, आप लेट रहे हो, मैं बैठा हुआ, ठीक है? जब आप खड़े हो जाओगे, कुछ काम करोगे, तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, काम देखो करवाऊंगा। परीक्षित के फर्स्ट डे वाले फोटो कैसे लग रही है? नहीं, परीक्षित की फर्स्ट डे की फोटो तो अच्छी है, तो ये कितना छोटा सा लग रहा है ना, तो छोटा तो था ही ये। इतना छोटा। देखो ये लाल, तब कितनी लाल थी ये दोनों आंखें, ये नाक के यहाँ पे, ये होठ के यहाँ पे। दिखाना मुझे, कितना क्यूट था वैसे, बड़ा शरीफ था, तो बड़ा बदमाश हो गए। अब भी बहुत क्यूट, बहुत शरीफ है। शरीफ तो है लेकिन अब बहुत शरारत बहुत करने लगा, एक्टिंग बहुत मारने लगा। अभी विकसित की फर्स्ट डे वाली ये हमारे फोटो, मैटरनिटी पैकेज में ही इंक्लूड था, आप देख सकते हैं, एक गिफ्ट ये भी था उसमें, तो यस, मैटरनिटी पैकेज ले लेना अगर लेना हो तो किसी को। उसमें आपके बच्चे की फर्स्ट डे की फोटो मिलती है। मुझे तो क्यों लग रहा है, पर मैं तो ऑपरेशन हो रखा था तो मैं लेट रही थी, नहीं तो और अच्छा अदरवाइज पोज करवाते हाँ आप। अदरवाइज ना अच्छा पोज करवाती। मैं फोटोग्राफर वाले भैया को बोलती कि ना भी ये उठ जाता है, और उठ जाने के बाद जब ये आईज ओपन करता ना तो करवाती। अभी सो रहा था, फोटोग्राफर आया, फोटो क्लिक की और लेके चले गए, लेकिन फॉर योर काइंड मैं इन्फॉर्मेशन, उसने बोला था कि बच्चे की आंख तो मैं फिर भी बंद ही करवाऊंगा, फ्लैश लगता है। है? हाँ, फर्स्ट डे वाले बच्चे की बंद, जितनी भी फोटो मिलेंगे आपको बंद आंख नहीं मिलती है। ये भी कोई उसके रीजन बाद होगा आप शूट करवा सकते हो, 2-4-5 दिन के। हनी? अब छुट्टी कर ली तो कहीं घुमाने ले चलो बाहर मॉल वॉल में शाम को। क्या What? अब एक बात बताइए, आप बीमार हो कि मजे ले रहे हो? हनी आपने बीमार मेरी छुट्टी करवाई कि आप बीमार हो? तो आपने मेरी छुट्टी करवाई, मैंने आपके लिए छुट्टी की, चुपचाप उठ के सो जाओ, ठीक है? मैंने आपके लिए पंखा भी कम किया हुआ है।
लाओ। तो सारे दिन बेड पे थोड़ी पड़ी रहूंगी। और क्या, बीमार आदमी बेड पे ही रहता है, रेस्ट करता है। नहीं, मैं वैसे वाली बीमार नहीं हूँ, छुट्टी करवाने के लिए कैसे? बीमार हुई थी थोड़ी देर के हाँ तो लिए। आज के बाद देख, हाँ आज के बाद ले चलोगे क्या मॉल में? फिर कल नहीं गए, कल गए थे ना, कल गए थे, आज तो नहीं गए। आज आपकी सैलरी आई है ना, 450 रुपये खर्च करवा दिए कल, और यूँ कह रहे हो कल गए थे। तो आज आपकी सैलरी आई है ना? नो मैडम सॉरी, सैलरी आती है तो आई एम पार्टी तो सॉरी, दोगे आप? आई एम तो कल दे दी ना, कल तो मेरे बचे हुए पैसे थे सैलरी के। और तो मतलब सब सूपड़ा साफ करना है इस बार भी। क्या, पान सैलरी है जब उठाते था, और फिर महीने के लास्ट में है, 10 पड़े हैं कल आपके पांच पास, सौ पांच सौ पड़े हैं आपके कल पास, पांच सॉरी। सौ रुपये बच रहे थे मेरे अकाउंट में, तो मुझे लगा कि हनी की सैलरी आने वाली है कल। मैंने आने को बोला कुछ ऑर्डर कर दो शाम को, 400 कुछ का ऑर्डर कर दिया, कुछ एक पैसे बचे हैं। हनी की सैलरी आज आ चुकी है मेरी को भाई। मैं क्या बोल रहे थे आप? अरे ये बोल रहा था, मतलब आपका रूल ये है कि जब नई फसल आए उससे पहले पुरानी फसल को साफ कर दो, मतलब टंकी साफ करके भरते हो, है ना। और क्या, आज आपको पता था आज सैलरी आएगी, तो कल पूरा खाली कर दो अकाउंट साफ, कल ही नहीं। अब पुराना जब तक खत्म नहीं होगा तो नया कहाँ से आएगा? ठीक है, तो अब आज नया आ गया, अब हनी की सारी सैलरी हनी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी चाहिए आपको बिना कहे। कर दी मैंने चेक नहीं किया। तो फिर अब हनी ने कर ही दी, तो कल हनी ने ऑर्डर किया था, आज मैं ऑर्डर कर दूंगी। क्यों, ऑर्डर तो आपको मेरे से करवाना है। अरे मुझे करना आता है? आप वो होता है ना, तो आपके भागीदारी बराबर बनाते हो, आप बोलोगे मन मेरा कर रहा था, ऑर्डर तो आपने किया था, मैं एक बार देख चुका है ऐसे। मुझे ऑर्डर करने में मजे नहीं आते, मुझे बैठ के आराम से बस ऑर्डर चलाने में मजे आते आपको हैं। ऑर्डर करने में तो मजा आता है, पर कुछ गलत आ गया तो आपका नाम हो जाएगा। अब मैं ऑर्डर करूंगा तो आप बोलोगे देख के करते, फिर आपको पता है रेस्टोरेंट की रेटिंग यस देखते, यस ये देखते कैसा है क्या यस, ये है। लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है, ये मैं लड़का आप बिल्कुल सही मैं बोलता आपकी है। रग रग से वाकिफ हूँ। अब हनी की सैलरी आ गई, हनी मुझे दो सूट भी ला के देंगे। आपने बोला ना भाई, लाके नाइस जोक, जोक ऑफ द डे, जोक ऑफ द मंथ, ईयर तो नहीं बोल सकते, ऐसे ऐसे तो और भी सुनाओगे, क्योंकि आज मंथ का लास्ट डे है। हनी, वैसे भी हमें बाहर तो जाना है। परीक्षित का सही है, अपने थोड़ी देर सोता है, थोड़ी देर उठ जाता है, फिर दूध पीता है, फिर सो जाता है, अपने और पूरा दिन ऐसे ही मस्ती करता है, क्या, छोटा बच्चा ऐसे ही मस्ती करता है। कभी उठेगा कभी खेलेगा। वो सब पर डरा दियो, इसने एकदम से बोला ऑफ इसको ना लिमिट, थोड़ा सा तेज आवाज में बोल दो, और ये और उसके बाद जो भयंकर बहुत रोता है। या इसको रोयो। इसको ना मेरी तरह सॉफ्ट सॉफ्ट साउंड पसंद है, सॉफ्ट चीजें पसंद है, सॉफ्ट टॉयज पसंद है। इवन इसको ना वो झुरझुना जो बजाते हैं वो भी पसंद नहीं है। एक बार अगर झुरझुना ऐसे ऐसे बजा दिया ये डर जाता है और ये रोने लगता है। मतलब ऐसा इसको होना नहीं चाहिए, बच्चे का थोड़ा मजबूत होना चाहिए नहीं, बच्चे का, हनी मजबूत तो बन जाएगा बाद में, लेकिन इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। इतना ठीक सॉफ्ट है, होना चाहिए। जब इसकी कोई मतलब गर्लफ्रेंड या वो होगी ना तो बोलेगी तेरी मम्मी ने ना तुझे अच्छे वाले मैनर्स दिए हैं, बहुत सॉफ्ट ओ सॉफ्ट। ओ गुरुदेव, ठीक है मुझे अपनी टेंशन नहीं है, मुझे आने वाले जब कोई लड़की आएगी इसकी लाइफ में ना तो मुझे उसकी ज्यादा टेंशन है। भाई साहब, यस, कहां पर सोचता जैसे अब मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपकी मम्मी ने ना बहुत अच्छे मैनर्स दिए हैं, कि आप किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, मेरे से भी नहीं करते, किसी से भी नहीं करते। हनी ऊंची आवाज में बात, अगर कोई कुछ बोलेगा वो आराम से बात करके उस चीज को खत्म करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और ये चीज मैंने हनी से सीखी है, और अब मैं अपने बेटे को सिखाऊंगी, आप भी सिखा सकते हो। हनी चलो यार बाहर चलते हैं, अरे दोपहर है, परीक्षित तो परीक्षित की दवाई खत्म हो गई, बाहर तो आज हमें वैसे भी जाना है। की कौन सी दवाई खत्म हो गई, खांसी की भी है, जुकाम की भी है, कोलिगेट भी है, एंड 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 इनकी ये हेलो, नोजल भी कुछ है। नहीं, नोजल अरे नहीं नेजल ड्रॉप को कह रहे हैं, नोजल भी है ये बच्चा संभालेंगे। देखो इनको ये नहीं पता मतलब बच्चे के लिए कौन सी दवाई होती है, नोजल नेजल ड्रॉप को नोजल अपने बोल रहे बोले। हैं। सर यस मिसिस, परीक्षित की खत्म हो गई है दवाई, कौन से करे नेजल को क्या बोलते हैं, नेजल ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, हाँ कौन सी खत्म हो गई, बता। विटामिन डी। डी पूरा, विटामिन डी पूरा, यस, खत्म हो गई है नी, यू कैन चेक इट। चेक क्या करना, लेके आना है भाई, दवाई तो लानी है। तो दवाई लाने जब बाहर जाएंगे
मैं भैया से ले आऊंगा इधर रोड के इस पास भैया के पास भी पूरा नहीं मिलती, इस भैया के पास होगी मैं भी पूरा यहाँ मिलती नहीं, सेक्टर 14 मिलती है, तो हम ना जाए सेक्टर 14, मैं कल ऑफिस जाऊंगा वहां से ले आऊंगा। दूध भी खत्म होने वाला है इसका। है एक डब्बा एक्स्ट्रा रखा हुआ है, देखेंगे फिर इसमें चल पड़ेंगे कौन, कंसेंट मॉल में चल पड़ेंगे कौन सा है, इसका तो नाम ही नहीं आता, मैं तो कंसाइनमेंट मॉल बोलती हूँ। पढ़ लेते तो ये नौबत नहीं आती ना। गाइस मेरे पास एक ऐसी फोटो है जिसमें प्रिक्सित है पर दिखाई नहीं दे रहा, ये वाली फोटो है। अरे देख रहे क्या दिखा रहे बल्दी हनी, आपको पता है इसमें प्रिक्सित कहाँ है बताना। मैं इसमें मेरे को सिर्फ मिसु दिखती है सबसे पहले। मिसू देखो इसमें कितनी गंदी फोटो बनाई मेरी बेटी की, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने प्रिक्सित का बोला, आपने प्रिक्सित दिख रहा है इसमें कहीं, यप कहने को दिख रहा है। गाइस आप भी देख के बताओ इसमें प्रिक्सित कहाँ है, जैसे ही मैं मेरी बोल सांसों में वो सो रहा है वो, जैसे ही मैं बोलती हूँ ना प्रिक्सित, प्रिक्सित के कान खड़े हो जाते हैं ऐसे हिलता है। मम्मा मेरे बारे में कुछ बोल रही है, मम्मा मुझे कैमरे में नहीं ले रही, खुद खुद कैमरे में आ रही है मम्मा। तो गाइस आप इस फोटो में बताओ प्रिक्सित कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में किसने सही कमेंट किया वो मैं पिन करूंगी यहाँ पे फिर। और गाइस ये है उस टाइम की फोटो जब हमने ली थी कार, अभी हमारी कार की एनिवर्सरी आने वाली है और दूसरी हमारी मिलन एनिवर्सरी आने वाली है। मेरी मिलन एनिवर्सरी पे हनी ने लास्ट टाइम मुझे कार दी थी गिफ्ट, अब की बार हनी मुझे क्या देंगे, आई डोंट नो, क्या दोगे हनी मुझे, यू शुड नो। यस हनी बताओ मुझे क्या गिफ्ट दोगे। जस्ट अ मिनट, ऑनलाइन देख रही मैं आपको क्या गिफ्ट दूं? मैंने अपना सबसे जो कीमती गिफ्ट है वो आपको दे दिया। बट सरनेम, तेरा सरनेम मेरा पसंद आ गया, ये तो मैं खुद भी लगा लेती अब गिफ्ट दे देना मुझे बस। हेलो हेलो मैं आई थिंक फोन में बिजी है, आई एम जस्ट राइटिंग मैसेज टू समवन, गिफ्ट देख रहे हैं आई थिंक मेरे लिए ऑनलाइन गलत। हाय हाउ आर यू? यस यू, लेकिन मैं गिफ्ट लेके मानूंगी, मैं मतलब मैं शरीफ लड़की हूँ लेकिन गिफ्ट के मामले में बिल्कुल बेशरम बन जाती हूँ, मांग के गिफ्ट ले लेती हूँ। तो हनी बी रेडी फॉर 10th of May, ओके ओके 10th of May की हमारी लैपटॉप दो दो एनिवर्सरी है, एक कार की एनिवर्सरी है और एक हमारी मिलन एनिवर्सरी है। तो हनी मुझे देने वाले हैं बहुत 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 एक्सपेंसिव गिफ्ट, लास्ट टाइम की तरह, जो आपको मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। झंड मत करवा देना मैंने सबको बोल दिया मुझे बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलेगा, ठीक है ओके। तैयारी करेंगे, लड़का मेहनत करेगा दिन रात। अब हने डालेंगे डेली अपने पंघाल टेक्नोलॉजी पे वीडियोस, क्योंकि वहां से जो इनकम आएगी ना उसी इनकम का वो मुझे गिफ्ट देंगे, क्योंकि सैलरी तो मैं हनी की छोड़ती नहीं हूँ, अब वो आती है। मैंने बोला है सिर्फ जो यूट्यूब से इनकम आती है वो आपकी है, बाकी सारी मेरी है, इधर आने दो मेरा अकाउंट है। बेचारा मांगता रहता है, चीखता रहता है पैसे आने दो पैसे आने दो। हाँ, मुझे आ रही है नींद, खाने लगे हैं अपने लैपटॉप में। मतलब कोई ऐसे भी लड़के होते हैं क्या जिन, मतलब एक तो छुट्टी ले ऑफिस से, ऑफिस से छुट्टी लेने के बाद वो फोन में लगे रहेंगे या फिर वो लैपटॉप में लगे रहेंगे। ठीक है गाइस मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ फोन को यहीं पे बंद करके मैं सोने जा रही हूँ थोड़ी देर। मेरे को पता है दिन में बंटी सोती नहीं है, इसलिए बस वो ये चाहती है कि मैं लैपटॉप बंद कर दूं। भाई मैं कर रहा हूँ लैपटॉप बंद, ठीक है। वो मेरे लैपटॉप को आपने 3 बार पैर लगा दिया, लैपटॉप को पैर नहीं लगा दो, ये मेरी रोजी रोटी है, ठीक। तो गाइस अभी सोचते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है, देन आते हैं दोबारा से आपके पास। तो गाइस मैं भी सो के उठ गई हूँ और ओए इधर प्रेक्षित भी उठ गया है, देखिए प्रेक्षित भी उठ गया है, प्रेक्षित रो रहा है, प्रेक्षित के डैडी जी प्रेक्षित को
मना रहे हैं, कहाँ देखते हैं चलेगा? कब तक रोड में मानेंगे। लेकर के आया ना, ये देखो कैसे झुला रहे, क्या हिला हिला के। एरोप्लेन क्या बनानी पड़ती है इस लड़के क्या की, तब जाके कहीं चुप होता है। ये देखो जैसे ही हनी ऑफिस से आएंगे, बोलेगा ब्र कि मुझे ब्र ले चलो, मुझे कार में बिठा के ले चलो। आते ही पहले मुझे बोलना पड़ता था कि चलो अनिका एक बाहर चलते हैं, अब परीक्षित आते ही अपने आप ड्यूटी लग रहते हैं, मुझे बोलना ही नहीं पड़ता कि अनिका कहीं बाहर चलते हैं। ये देखो हरकतें इसकी, देखो हरकतें इस लड़के की। यस लड़के, लड़का ऐसे हो रहा है खुश। तो अभी परीक्षित का फीड का टाइम हो गया है, परीक्षित को फीड करा देते हैं पहले, क्योंकि बहुत मतलब 2-3 घंटे हो गए, 2-3 घंटे से सो रहा था, और बच्चे को एवरी 2 आवर्स में हमें फीड करवाना चाहिए। ज्ञान की बातें हो गई बंद, तो अभी मैं जाती हूँ परीक्षित को फीड कराने। तो गाइस फाइनली वो घड़ी आ गई है। कौन सी? जब बंदे की डिमांड पूरी की जा रही है। नहीं कुछ भी, फाइनली हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि टाइम हो गया 6:50, 7 बजने वाले हैं प्रेक्षी बेटा। हाँ, तीनों ने मिले जुले से ही कपड़े पहने हुए हैं, येलो येलो, लाइट लाइट येलो, ये लाइट येलो, डार्क येलो, ये इसको नहीं, येलो नहीं बोल सकते, ये मस्टर्ड है। यस कोई ना, चलता है मस्टर्ड, अभी मस्टर्ड हुआ है, पहले येलो ही होता था, डार्क डार्क येलो, लाइट येलो, ठीक है। यस यस यस, कुछ भी कह सकते हो, हारना तो कभी सीखा ही नहीं मैंने। तो अभी चलते हैं गाइस बाहर, कुछ खा पी के आते हैं, शॉपिंग करके आते हैं। शॉपिंग में हम लाएंगे प्रिक्सु की और मेरी इनर, और आपके? नो बस दैट्स इट। अभी गाइस ले ली हमने सब्जी, सब्जी में लिया है पुदीना और तोरी। तो गाइस अभी हम खाएंगे गोलगप्पे, और देखो बंटी परीक्षित को लेके गोलगप्पे खाएंगे, मैं खिलाता हूँ बंटी को अपने हाथ से। भीड़ लगी पड़ी है अभी यहाँ पे, जितने भी थे गोलगप्पे वाले सब चले गए, एक बचा है, एक वो छोटा सा वो है उधर, उसके अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम इधर ही खाते हैं। तो गाइस परीक्षित की इनर तो मिली नहीं, अभी हम आए हैं दूसरी जगह पे, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अंडर गारमेंट्स, चौकी ब्रांडेड पहनो भाई, है ना। परीक्षित सो रहा था, उठ गया ब्रांडेड का नाम सुन के, क्या हुआ। अभी इनर और देख लेते हैं, और बंटी गई है उधर, परीक्षित देखो, परीक्षित मजे आ रहे हैं पापा की गोद में सोने में, परीक्षु को मजे आ रहे हैं पापा की गोद में सोने में, क्यों उठ गए, सो जाओ सो जाओ, ओ सो जा भाई, अभी नींद में, देखो सोएगा अभी नींद में। उधर बंटी भाग भाग के ला रही है इनर, आज ले ही लेते हैं भाई, अभी तक है पर मैं व्हाइट वाले इनर है अभी मेरे पास, अब की बार कलरफुल पहनेंगे, जो कॉलेज टाइम में पहनते थे, रेड एंड ब्लैक, ग्रीन ग्रे। इधर बंटी ने परीक्षित के लिए भी ले ली इनर, छोटी छोटी इनर परीक्षित की, दो परीक्षित की व्हाइट में ली है, मेरी कलरफुल ली है। खुश हो गया परीक्षित इनर लेके, खुश हो गया, कलर वाली चले आप चलो। तो गाइस हम लोग बाहर से आ गए थे, और शॉपिंग के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं लिया, लेकिन बिल अच्छा खासा बन गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितने का बिल बना के लाई है बंटी, और क्या क्या आइटम लाई है। ये देखिए बस ये 3-4 आइटम हैं, अचार का डब्बा है, अंडरवियर, इनर, ये परीक्षित की इनर, और एक ये नेल पेंट, और नेल पेंट के साथ में बिल हो गया टोटल 869। ओ माय गॉड, बताओ इन 4 आइटम का बस इतना सा पैसा, इतना पैसा, इतना सा पैसा नहीं, इतना सारा पैसा, बहुत महंगा है भाई गुड़गांव, बहुत महंगा है, हद से ज़्यादा महंगा है। और अभी डिनर हमने बना लिया है, डिनर कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। और यहाँ पे परीक्षित सो रहा है अंदर, इसलिए मैं अंदर कैमरा लेके नहीं जाऊँगा। बंटी देखो यहाँ पे क्या कर रही है, अपनी नेल पेंट उतार रही है, शायद नेल पेंट उतार रही हो ना, नेल पेंट उतार रही हैं, फिर ये जो नई नेल पेंट लाई हैं वो लगाएंगी। कोई भी काम दे दो इस लड़के को, कोई भी काम दे दो, ये देखो वीडियो क्या, ये क्या तरीका है, ये देखो दोनों स्पेस कम थे, फंसा रहा था।
जबरदस्ती फंसा रहे थे पूरा फ्रिज खराब कर दिया। मैं क्यों करवाऊँ, बिखेरी आपने तो, आप ही साफ करोगे इसको। मेरा बेटा उठ गया, जाती हूँ मैं, बाय बाय। गाइस परीक्षित सो गया है और मैं आराम से वहाँ पे लेट रही थी और मैंने बाहर हनी को आवाज़ दी कि अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, लेकिन आज तक मैंने किसी को भी नहीं बताया। आज मैं ऑन कैमरा सबको एक सच्चाई बताने वाली हूँ कि हनी की दो बीवियाँ हैं और हनी हमेशा झूठ बोलते रहे आपको कि मैं बंटी से प्यार करता हूँ, मैं बंटे का ही सब कुछ हूँ। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, हनी अपनी दूसरी बीवी से मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं और अभी मैं दिखाती हूँ। आज लगे पड़े हैं अपनी दूसरी बीवी के साथ बाहर, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, हनी अपनी दूसरी बीवी के साथ लगे हुए हैं। बीवी है आपकी, मेरे से ज़्यादा प्यार करते हो आप इससे? देखा गाइस, मैंने बोला था ना मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं। मैं आवाज दे रही हूँ अंदर से, मैं अंदर से आवाज दे रही हूँ, हनी कहाँ हूँ, हनी कहाँ हूँ, अंदर आ जाओ। लेकिन मजाल है, ये लड़का मेरी सुन ले, और ये इसी बीवी को सबसे ज्यादा टाइम देता है और आज से ये हनी की बीवी है। गाइस आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मुझे आ रहा है गुस्सा बहुत तेज। इससे पहले कि मैं टूट पड़ूँ किसी पे, मैं जाके इस ब्लॉग को एंड करके सो जाती हूँ। और अगर कल की वीडियो में मेरे कहीं भी निशान आए तो समझ जाना निशान किसने किए हैं। कोई भी निशान, कोई पट्टी मिले तो।